दोस्तों, क्या हाल है भाई? तुम्हारा तो पता नहीं लेकिन नेजी के हाल तो बहुत बुरे हैं भाई। दो दो डिस्ट्रैक्ट डालने के बाद भी वैलिडेशन नहीं मिल रही। नेजी और हनी सिंह, इन दोनों लोगों में एक ही सिमिलैरिटी है कि ये दोनों ना कोशिश तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन कमबैक दोनों से ही नहीं हो रहा है। लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि हनी सिंह बीमारी की वजह से गायब हुआ था और नेजी खुद एक बीमारी है। अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में कहोगे भाई लेकिन तू नेजी को इतनी ज्यादा हेट क्यों दे रहा है? तुम लोगों को तो पता ही होगा कि नेजी और तलांजुम की बीफ हो रखी और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रैक्ट्स डाल रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ये चीजें कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, और तुम्हें एक एक करके सारी चीजें समझाऊंगा और एंड में अपना ओपिनियन दूंगा। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो तुम सब लोगों को याद होगा कि नेजी का एक बहुत 6-7 साल पुराना इंटरव्यू आया था बीबीसी के साथ, जिसके अंदर उसने एक बहुत ही घटिया सा फ्री स्टाइल करा था, ओहो बीट चेंज एंड एवरीथिंग करके। This is Nazy freestyling on the BBC Asia Network live this morning. Hi, क्या बोले रिपब्लिक? Tommy Sandu खतरनाक, BBC खतरनाक, London weather खतरनाक, London में आया मैं, ओहो beat change, suitcase pack किया, snap back लिया, मैंने खोला उसमें डाला हुडी, थोड़ा बहुत मूडी में खोला। तो अब नेजी वापस से बहुत सारे पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में जाने लगे जिसके अंदर वो लिटरली बुलशिट बातें कर रहे हैं, जिन बातों का कोई ना सर होता है ना पैर होता है, और वो कुछ भी बकवास बोले जा रहे हैं। एंड इट वॉन्ट बी रॉन्ग अगर मैं उसको क्लाउन बोल दूं, क्योंकि जो वो कर रहा है इंटरव्यूज के अंदर उसे सिर्फ क्लाउनरी बोलते हैं, एंड यू वुड अग्री विद मी। अब जब इतना सब चल रहा है तो ऐसी किसी रैंडम इंटरव्यू में नेजी ने कुछ ऐसा बोला, बहुत सारे कोलैबोरेशंस करने का मैंने पूरी लिस्ट बनाया हुआ है। तलांजुम उनमें से है? तलांजुम तो नहीं, कौन है तलांजुम भाई? Now you guys might be thinking कि नेजी ने ऐसा क्यों बोला, क्या वो सच में तलांजुम को नहीं जानता? तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, let's be real, इंडस्ट्री का हर आर्टिस्ट तलांजुम को जानता ही है। तो फिर क्या नेजी ने ऐसा कॉन्ट्रोवर्सी करने के लिए बोला होगा? हाँ, could be yes, क्योंकि नेजी अपने करियर के उस स्टेज पे जहाँ पे उसे जानते तो सब है लेकिन इज्जत कोई नहीं करता। तो इट्स बेटर कि अगर वो ऐसे किसी आर्टिस्ट के नाम पे कुछ भी उल्टा बोले या कुछ भी गलत कमेंट पास कर दे ताकि वहां से उसको अटेंशन या फिर रिप्लाई मिल जाए, ताकि नेजी खुद को सेल्फ रिवाइव कर सके। क्योंकि लेट्स बी रियल, अब ना तो गली बॉय 2 बनने वाली है ना ही डिवाइन उसको फीचर देने वाला है। तो ऑल एंड ऑल उसने चीप टैक्टिक यूज करी टू गेन सम क्लाउट एंड अटेंशन। राइट आफ्टर दैट तलांजुम ड्रॉप्ड अ डिस्ट्रैक्ट ऑन नेजी। कौन तला? डिस्ट्रैक्ट रिव्यू, इट वाज वेरी गुड, बार्स काफी अच्छे थे, टू द पॉइंट था, जितने अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए तो अच्छे थे। बेसिकली ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा होना चाहिए था ना डिस्ट्रैक्ट, बिल्कुल वैसा ही था। नाउ मुझे लगता है कि नेजी ने शायद वो डिस्ट्रैक्ट सुना भी नहीं और एक प्री रिकॉर्डेड अपना कोई भी गाना उठाकर डाल दिया जिसके अंदर उसने सिर्फ 2 लाइनें ऐड करी। मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रैक्ट क्या बेशाने की। डिस्ट्रैक्ट रिव्यू, गाना वाज बिलो एवरेज, इट वाज लाइक रियली पुअर इफ आई हैव टू से दिस, एंड इट डिडंट इवन फील लाइक अ डिस्ट्रैक्ट टू बी ऑनेस्ट। इट कम्प्लीटली फील्स लाइक कि नेजी रैप करना ही भूल गया है। ऑल्सो डिस्ट्रैक्ट का जो आर्टवर्क था उसके अंदर एक देखने वाली बात यह थी कि उसके अंदर इंडिया का कोई बहुत ही पुराना मैप डाल दिया जिसके अंदर आधे स्टेट्स तो अभी डिवाइड भी नहीं हुए हैं। फिर जब लोगों ने उसे चीज पॉइंट आउट करना शुरू करी कमेंट्स में, रेडिट पे, ट्विटर पे, नेजी डिड द बेस्ट थिंग ही कुड एवर डू, उसने भाई अखंड भारत का मैप भी डाल दिया भाई, पूरा का पूरा। आमिन भाई, नेजी भाई अब क्या बंदे हो यार। वेल, इस डिस्ट्रैक्ट के बाद लोगों ने नेजी को काफी ज्यादा ट्रोल किया, और अगर मैं सच बोलूं तो एट दिस पॉइंट ना भाई नेजी को कोई हेट भी नहीं करता, क्योंकि आधे लोगों से फक्स नहीं देते और आधे लोगों से सिंपथी देते। हमारा नेजी भाई भी गोट गोट थे एक टाइम पे, डिवाइन के साथ गाना आया था उनका, गली गैंग गली बॉय। इसी बीच बीफ का मजा लेते हुए एमी वेंटाई ने कुछ ऐसी स्टोरी डाली, कौन तला ए डॉट विनिंग, काउंटर किधर है लाला, नेजी दबा, काउंटर किधर है, बीफ चालू है पब्लिक। अब इसके बाद तुम सब लोगों को लग रहा होगा कि भाई नेजी ने इतना गंदा डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप किया है तो जाहिर सी बात है तलांजुम तो रिप्लाई करेगा नहीं, तो ये बीफ खत्म हो जानी चाहिए। नहीं, हाँ तुम लोग सही बोल रहे हो, होना तो ऐसा ही चाहिए था। Until unless, आज नेजी ने फिर से एक और डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप कर दिया जिसका नाम है ना पाक, एज द वर्ड इज ना पाक। डिस्ट्रैक्ट रिव्यू, इस बार का डिस्ट्रैक्ट पिछले वाले से 1000 टाइम्स बेटर था मैं ये कहूंगा, एंड द फैक्ट इज कि इस बार एक्चुअली एक डिस्ट्रैक्ट था, नेजी ने डेडिकेटेडली डिस्ट्रैक्ट लिखा है तलांजुम के ऊपर बैठ के। ओवरऑल डिस्ट्रैक्ट के अंदर नेजी ने काफी ज्यादा अच्छे काउंटर्स दिए हैं इस बार, जैसे कि वाना भी जॉन एलिया, तू AR रहमान है क्या, शायरी चुराना, तुझे कोई नहीं जानता, इंडियंस के लंड पे लटकना बंद कर, कोक स्टूडियो कराए इसे ट्रॉफी दो। ये सब काउंटर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं व्हेन यू आर इन अ बीफ विद द आर्टिस्ट जिसका प्राइम टाइम चल रहा हो अभी। बट डज इट इफेक्ट तलांजुम? I don't think it really does. Currently तलांजुम कनाडा गए हुए हैं किसी म्यूजिक फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए, तो मुझे लगता नहीं है कि वो एक हफ्ते से पहले वापस आने वाले हैं। तो मतलब 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे कोई भी डिस्ट्रैक्ट। बट पर्सनली मैं नहीं चाहता कि अंजुम अब कोई भी डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप करे, बिकॉज इट डजंट रियली मेक एनी सेंस। और कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए खुश है क्योंकि उनका मानना है कि नेजी ने ना ये डिस्ट्रैक्ट इतना अच्छा ड्रॉप नहीं किया लेकिन पिछले वाले से बहुत अच्छा ड्रॉप किया है। इसका बेसिक मतलब ये है कि लोगों की ना नेजी से एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा कम थी कि उसने जब अबव एवरेज भी ड्रॉप किया ना तो लोगों
को लग रहा है अरे भाई वाह 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 ये तो क्या गोट टियर शीट डाला एकदम, बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इट वॉज प्रिटी ओके। अब देखो यार वैसे तो ये बीफ बहुत ज्यादा अननेसेसरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि तलांजुम अपने करियर के ऑल टाइम हाई पे है और उसको किसी को रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एंड नेजी अपने करियर के ऑल टाइम लो पे है और फैक्ट इज कि वो कुछ अच्छा भी नहीं बना रहा है। कंट्रोवर्सी करना, क्लाउड चेज करना इज कम्प्लीटली फाइन जब तक तुम अच्छे डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप कर सकते हो, जस्ट लाइक एमिवे। अब ना तो नेजी अच्छे गाने बना पा रहा है, ना अच्छे डिस्ट्रैक्ट बना पा रहा है, ना वो अपने करियर में स्टेबल है। ये मेरे चैनल की शायद ऐसी पहली कोई वीडियो होगी जिसके अंदर दिस नो कंक्लूजन, मैं कोई कंक्लूजन दे नहीं सकता भाई। दिस इज द मोस्ट ड्राई बीफ इन DHH कम्युनिटी। Now what we all should expect is a diss track from Talanjum 22-23 जून के बाद I guess, and then अगर ऐसा हुआ तो of course नेजी उसके बाद फिर से एक और diss track drop कर देगा। तो भाई मेरी तरफ से तो इतना ही था। अब मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों का ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है, तुम्हें इस बीफ के बारे में क्या लगता है, या मैंने क्या पॉइंट्स मिस कर दिए, या तुम्हें पर्सनली क्या लगता है कि भाई कौन बेटर है कौन नहीं है। तुम ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बता सकते हो, क्योंकि मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि इस बीफ में इससे ज्यादा और क्या बचा है। ऑल्सो अगर तुम इसके अलावा किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो इस चैनल पे, तो तुम लोग मेरे को कमेंट्स में वो भी बता सकते हो कि भाई इस चीज को भी कवर करो, ताकि मैं उस चीज को भी कवर करूं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक। जख्म तमन्ना पुराने हो गए हैं, उसकी गली में गए हुए जमाने हो गए हैं, अपने चाहने वालों की तुम बात मत सुनाना, तेरे चाहने वाले अब मेरे दीवाने हो रहे हैं। अपने तौर से जो कभी हमने थे गुजारे, वो शाम सुबह जैसे अब फसाने हो रहे हैं। मेरे बाद आए हैं मुबारक होने, उस वीराने में अब काफी कारखाने हो चुके हैं। तेरी बेरुखी से तंग होके होश आया, आज बरसों बाद तेरे खत सारे कर दिए हैं खाक, मिटे वहम तेरे प्यार से आज हुए हैं आजाद, तेरे साथ खड़े होके तुम थे मेरे ही।